देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मली अराउंड दैट पॉइंट, की एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर एरिया से आप एनर्जी क्रॉसिंग निकाल लो, फिर एरिया से डिवाइड कर दो, तो आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी उस पॉइंट की। तो एनर्जी क्रॉसिंग एरिया कैपिटल ए इन टाइम डेल्टा टी, तो कितनी एनर्जी क्रॉस करेगी इस क्रॉस सेक्शन को अगर वेव ऐसे जा रही है, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, डेल्टा टी टाइम में कितनी दूर की एनर्जी आ जाएगी, सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी टाइम में कितनी दूर की एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी, सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अगर वहां पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी यू एवरेज है, ठीक है, अगर वहां पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी क्या है आपकी, यू एवरेज है, तो आपका उसमें वॉल्यूम में एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू एवरेज इंटू सी इंटू ए इंटू डेल्टा टी हो जाएगी कि नहीं, बताओ जल्दी। ये मैं कई बार यस बता सर, चुका हूँ बेटा, पूरे में अगर कोई यस पानी आ रहा सर, है या कोई एनर्जी आ रही यस है, सर, तो अगर सी स्पीड है तो 1 सेकंड में सी मीटर दूर का, डेल्टा टी टाइम में सी इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस का सारा के सारा यहाँ से पास हो जाए। ठीक है ना, इतने में एनर्जी कितनी है, अगर पर यूनिट वॉल्यूम यू एवरेज है, तो इसमें कितनी हो जाएगी, यू एवरेज इंटू सी इंटू ए इंटू डेल्टा टी हो जाए। ठीक है, अब इंटेंसिटी आप किसको बोलोगे, एनर्जी अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम को पूछा है इसने। ठीक है ना, तो पर यूनिट आपका क्या आ गया, एनर्जी आ गई है एनर्जी क्रॉसिंग एरिया इन टाइम डेल्टा टी, तो यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से पास करने वाली, ठीक है ना, ये तो टोटल एरिया से क्रॉस करने वाली है, तो ए इंटू डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंटेंसिटी कितनी आ गई आपकी, यू एवरेज इंटू सी आ जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इंटेंसिटी में, कई बार क्वेश्चन आया भी, देख लेना आप चाहे। ठीक है, ये आपकी इंटेंसिटी कितनी होती है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ही तो करेंगे ना यहाँ पे, तो सी यू एवरेज इंट्रोड्यूस हो गया। अब यू एवरेज क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट नॉट स्क्वायर, तो आप इंटेंसिटी कह सकते हैं किसी भी पॉइंट पर यूनिट एरिया से क्रॉसिंग जूल पर सेकेंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी लिख सकते हो। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी आप लिख दोगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बेटा, कोई डाउट, एवरेज एनर्जी डेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बताइए। नमस्कार। चलिए, वेरी गुड।